हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं बहुत सिंपल, हमेशा ही सिंपल है पर बहुत ही सिंपल, मेरे बेटे की बहुत फेवरेट सब्जी भिंडी भिंडी बनाने वाली हूँ। तो देखिए कैसे बनती है। सो भिंडी को जो है मैंने अच्छे से धो के दो बार पानी से निकाल के अच्छे से कपड़े से पोंछ के थोड़ी देर फैला दिया ताकि बिल्कुल सूख जाए। उसके बाद में मैंने ये पतली पतली बारीक बारीक गोल गोल भिंडी काट ली। मेरी मम्मी के यहाँ ना ऐसे ही बनती है और मेरे बेटे को ना वो खूब पसंद है। सो इस तरीके से भिंडी काट ली मैंने। ये तेल डाला है मैंने, मैं यूज़ करती हूँ मूंगफली का तेल, कोल्ड प्रेस जो आता है वो। तो तेल गरम होने का हम इंतज़ार कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो भिंडी है जो धो के काट के रेडी रखी है। तेल हो गया गरम, इसमें मैंने डाल दिया जीरा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें मेरा फेवरेट हींग, हल्दी, आंच धीमी करेंगे और ये डाल देंगे अब हम इसमें भिंडी। मैंने भिंडी काटने के बाद थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दी। इससे बोलते हैं कि जो भिंडी में स्टिकीनेस होती है वो कम हो जाती है। तो भिंडी जो है बढ़िया से हम हिला देंगे। नमक अभी नहीं डालेंगे, हम बाद में डालेंगे क्योंकि नमक से भी स्टिकीनेस हो जाती है कई बार ज़्यादा। और धीमी आंच पे मैं इसे कुक होने दूंगी थोड़ी देर। बीच बीच में इसे हिलाते रहना जरूरी है क्योंकि भिंडी जो है बहुत जल्दी चिपक के जल जाती है। करीब 4 से 5 मिनट मैंने इसकी कुकिंग कर ली है भिंडी की। देखिए काफ़ी सॉफ्ट होने लग गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ नमक स्वाद अनुसार। तो बहुत लोगों की कंप्लेंट थी कि हमारी भिंडी चिपक के जल गई है ऑल दैट। तो जब मैंने पहले हल्दी में भिंडी डाल के मिलाया था उसके बाद मैंने लगा दिया था ये ढक्कन, और बहुत धीमी आंच पे मैंने इसे कुक किया है और कम से कम 3-4 बार ढक्कन हटा हटा के मैंने भिंडी को हिलाती रही। अब एक चीज़ का और ध्यान दीजिए, ये देखिए मेरी भी कढ़ाई में चिपकी है लेकिन भिंडी नहीं। उसका जितना भी जो स्टिकी पार्ट है ना वो चिपक चिपक के जल गया है लेकिन भिंडी कहीं से भी बिल्कुल नहीं चिपकी। ये देखिए ब्यूटीफुली मैं इसे हिला रही हूँ, कोई मेहनत नहीं लग रही है, कहीं पर भी भिंडी नहीं चिपकी है। बस वो जो स्टिकी पार्ट था वो नीचे चिपक के ब्राउन हो गया, वो बहुत ईजिली धुल भी जाएगा। तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी हो गई है, बिल्कुल भी इसमें वो स्टिकीनेस नहीं रही। आप चाहें तो इसे थोड़ा और कुक कर सकते हैं या फिर इतना ही कुक करेंगे तो वो भी काफ़ी है, काफ़ी सॉफ्ट हो चुकी है। अब मैं मसाले डाल देती हूँ उसमें, धनिया जितना आपको पसंद हो, लाल मिर्च, और मैं डालूँगी इसमें थोड़ा सा अमचूर का पाउडर स्वाद के लिए। तो मसाले डालने के बाद बहुत ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी क्योंकि मसाले जलेंगे चिपकेंगे और भिंडी जला देंगे। ये देखिए नथिंग इज बीइंग हिडन, आपको वेरी क्लियरली दिखा रही हूँ कि एक लेयर ये देखिए जो स्टिकीनेस है वो जल के चिपक गया पर भिंडी नहीं चिपक रही है। ये देखिए अब मैं गैस कर देती हूँ स्विच ऑफ और मैं इसे ढक के रखूँगी 3 से 4 मिनट के लिए ताकि अपनी ही भाप में वो जो मसाले और भिंडी है सब मिल जाए और अच्छे से पक जाए। दो मिनट के लिए काफ़ी है। 2 मिनट के बाद आप कवर हटा दीजिए, भिंडी दूसरे सर्विंग बोल में निकाल लीजिए और कढ़ाई धोने डाल दीजिए। चमक के आपकी कढ़ाई भी इजीली साफ़ हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके से मैं बनाती हूँ अपनी भिंडी की सब्जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चिटोरी रजनी। बाय बाय।